फ़लस्तीन के मज़लूमों के लिए दुआ के लिए दोबारा कहता हूँ मैं। अब कम अज़ कम इतना हुआ है कि कुछ गैर मुस्लिम और बाज़ सियासतदान डरते डरते ही कुछ ना कुछ इस जुल्म के ख़िलाफ़ बोलने लग गए हैं, बल्कि अब तो बाज़ यहूदियों ने भी इस अमल से बेदारी का इज़हार किया है और इसराइली हुकूमत को कहा है कि हमें बदनाम क्यों कर रहे हो। तो बहरहाल छोटी छोटी आवाज़ें कहीं ना कहीं से गैरों में भी उठने लग गई हैं। अब ये कहते हैं कि चार घंटे के लिए रोज़ाना जंग रोके, जिसको पॉज का नाम दिया उन्होंने, ताकि मदद पहुंच सके फ़लस्तीनियों तक। अल्लाह ताला बेहतर जानता है कितना अमल होगा इस पर, और बाकी वक्त जो है 20 घंटे का, उस पर कितने जुल्म करने हैं इन्होंने फ़लस्तीनियों पर, अल्लाह बेहतर जानता है। कितनी बम्बारमेंट करेंगे, अक्सर बड़ी हुकूमतें और सियासतदान भी फ़लस्तीनियों की जानों की कोई अहमियत नहीं दे रहे, इनके अपने मफादात हैं। लेकिन बहरहाल इन लोगों को भी याद रखना चाहिए कि अल्लाह ताला भी एक वक्त तक ढील देता है, और सिर्फ़ यही दुनिया नहीं, अगला जहान भी है। ये समझते हैं कि यहाँ इस दुनिया में हमने फ़ायदे उठा लिए तो सब कुछ हासिल हो जाएगा, इस दुनिया में भी पकड़ हो सकती है और अगले जहान में भी पकड़ होगी। बहरहाल हमें दुआओं की तरफ तवज्जो देनी चाहिए, अल्लाह ताला मज़लूम फ़लस्तीनियों की दादरसी करते हुए इन्हें इन जुल्मों से निजात दिलवाए।